हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज, समझ रहे हैं छोटे बच्चों के रूप में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ। अगर आपको कहानी अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज हम कहानी को शुरुआत करेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में विभिन्न प्रकार की कक्षाएँ विषयों पर आधारित टॉपिक लेकर आ रही है। जैसे कि मान लीजिए छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, विभिन्न प्रकार के विषय और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और फाइनल वर्ष के जो बालक रहते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और बहुत ही जल्दी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाइव भी आएंगे, जिससे कि आप हमारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी इस प्रकार से है कि जो झूठ बोलते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, तो इस प्रकार से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो साहूकार रहता है वह साहूकार अकबर के दरबार में पेश होता है। तो कहानी इस प्रकार से है कि साहूकार जो है वह अकबर के सामने दरबार में पेश होता है और वह कहता है कि किसी ने मेरे खजाने से करीब 100 शेर चोरी की गई है, ठीक है। और वह जो शक करता है वह उनके नौकरों पर ही करता है। तो क्या होता है कि जो बीरबल रहता है उसको अकबर ऐसा आदेश दे देते हैं कि आप मेरी ये जो मतलब समस्या लेकर आए मेरे सामने, आप इसका निराकरण करिए, ठीक। तो बीरबल फिर अगले दिन उस साहूकार के घर पर जाता है और सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि लाइन में खड़ा करने के बाद में वह सभी नौकरों को एक एक छड़ी दे देता है और उन नौकरों से कहता है कि तुम में से यहाँ पर जिसने भी चोरी की है उसकी जो छड़ी है वह लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वह बोलता है कि ये छड़ी लेकर आप इस छड़ी को साथ में रखिएगा, ठीक है। तो एक दिन का समय देता है बीरबल, और फिर अगले ही दिन वह छड़ी लेकर बीरबल अकबर के दरबार में हाजिर होने का आदेश देते हैं, ठीक। तो इतने में शाम के समय में एक नौकर जो रहता है जिसने चोरी की थी वह सोचता है कि मेरी छड़ी अगर बड़ी हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो वह सोचता है कि मैं इस छड़ी में से 2 इंच काट देता हूँ। तो वह क्या करता है कि वह जो छड़ी रहती है उस छड़ी में से 2 इंच लकड़ी जो छड़ी का हिस्सा है वो काट देता है। और अगले दिन जब राजा के दरबार में पेश होते हैं, ठीक है, तो जिसने छड़ी के 2 इंच काटी हुई थी उसकी छड़ी अलग ही दिख रही थी। इस प्रकार से जो चोर था वह पकड़ाया गया और पकड़ाने के बाद में सभी के सामने उसकी पोल खुल गई और जो चोरी का जो भी हर्जाना था, सजा थी, वह उसे दी गई। और जो शेर चोरी हुए थे, करीब 100 शेर चोरी हुए थे, वह भी साहूकार को वापस से लौटाए गए। तो इस प्रकार की हमारी ये कहानी थी। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर चोरी करेंगे या झूठ बोलेंगे तो फिर हम किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ जाएंगे, जिससे कि नुकसान हमारा ही है और हमारा जो व्यवहार रहता है वह भी ख़राब होता है। इस प्रकार से हम इस शिक्षा इस जो कहानी है इस कहानी से हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की, छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हमें चोरी नहीं करना चाहिए। तो और जैसे कि मान लीजिए जो भी सामान रहता है या जो भी रहता है उसका स्वामित्व जिसके पास वो रहती है वस्तु, उसका ही अधिकार रहता है। मांग लेने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मांग लेंगे तो हमें कोई भी वस्तु दे देगा, परंतु अगर चोरी करेंगे तो हमारा व्यवहार भी खराब होगा और हमें गलती भी सुनना पड़ेगी। तो इस प्रकार की हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।